और सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे साथ गब्बर सिंह ठाकुर सीधे जुड़ गए हैं। जी गब्बर, बताएं कि आज प्रदेश में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में बनी रहेंगी। देखिए, आप बात करें कि मध्य प्रदेश में आज बड़ी खबरें कौन सी होने वाली है, तो सबसे पहले बात करें कि आज के विधानसभा सत्र, जो की मानसून विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और 11 बजे से शुरू हो रहा है, होने वाला है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो कैबिनेट की बैठक थी, वो बैठक कैंसिल कर दी गई है। इधर मानसून सत्र को लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी पूरी रणनीति तैयार की है और ये जो मानसून सत्र है, 20,000 करोड़ रुपए का अनुकूलन बजट इसमें लाया जा रहा है, जो कि पास किया जाना है। लेकिन इसका हो सकता है कि कांग्रेस विरोध करे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कल कहा था कि ये जो बजट है, वो बजट जनता के फायदे के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि जो विधानसभा चुनाव है, तो बीजेपी पर ही गंभीर आरोप लगाया था कि ये जो पैसा है, जो 20,000 करोड़ का बजट पास किया जा रहा है, ये चुनाव में इसका उपयोग किया जाएगा, तो हो सकता है कि इसका विरोध किया जाए। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि विधानसभा सत्र भी से हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि विपक्ष ने काफी मुद्दों को लेकर के तैयारी की है, जिसमें से आपका सूर्यकांत है, जो पेशाब का मामला आया था सामने, आदिवासी के ऊपर पेशाब करने का मामला आया था, बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगा था। वही इंदौर में महाकाल लोक, उज्जैन में महाकाल लोक है, जो मूर्तियां हवा में गिरी थी, एक मामला वो था। सतपुड़ा की आज ज्योति विधानसभा तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से पहुंची है और आज वो आज यहाँ पर हो सकता है विधानसभा की कार्यवाही के फ्लोर पर ये देते, तो ये विशेष तौर से बड़े मुद्दे हैं। इसी के साथ में और भी कई जगह है, जो चाहे आपका डबरा हो, आपका सुपुरी हो, या फिर विदिता हो, यहाँ पर सागर मारपीट के मामले भी सामने आए हैं और वीडियो वायरल हुए थे। इनको लेकर के कमलनाथ के कल बंगले पर शाम को बड़ी बैठक की गई थी, पूरे मुद्दे तय किए गए थे, किन मुद्दों को किस तरह से उठाना है और किस तरह से सरकार को कहा जाए कि दबाने की कोशिश करना है और पटल पर अच्छे तरीके से रखना है। हालांकि ये अलग मान है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्री ने विधायकों की बैठक ली थी और उन्हें बताया था कि आपको इन मुद्दों को, जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा, उन मुद्दों को किस तरह से जवाब देना है और सभी पर के साथ ही जवाब देना है, ना कि बिना हवा में फैसले वाली बात नहीं करना है। तो ये विशेष तौर पर वही दूसरी तरफ अगर देखो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज क्योंकि भोपाल दौरा है और वो 4 घंटे भोपाल यानी बीजेपी कार्यालय में रुकेंगे, यहाँ पर वह बैठक करेंगे और बैठक में जो कई बातचीत हो गई चुनाव को लेकर के, और इसी के साथ में 11:30 बजे रात में यहाँ बीजेपी कार्यालय से यहाँ से निकलेंगे, 7:15 बजे शाम को भोपाल पहुंच जाएंगे और 7:30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। 4 घंटे बैठक होगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीजी शर्मा इसमें शामिल होंगे। वही इधर अगर हम देखें कि कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस कार्यालय की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई और मुद्दे निकल के सामने आएंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीसीसी कमलनाथ भी आ सकते हैं बैठक में और महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हो सकता है कि प्रदर्शन भी बाहर करें या फिर विधानसभा या सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले। तो यहाँ पर हालांकि ऐसी कोई अभी लिखित जानकारी नहीं है, लेकिन ये अंदर की जानकारी है कि हो सकता है कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए प्रदेश ज्यादा तादाद में आई हुई है, तो हो सकता है कि प्रदर्शन भी कर दें, तो इस प्रदर्शन को रोकने के लिए या फिर विरोध प्रदर्शन जो सड़कों पर होगा, हो सकता है होता है, तो इससे पुलिस प्रशासन ने पुलिस फोर्स बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यालय के बाहर तैनात किया है, महिला और पुरुष दोनों इसमें बल तैनात किए गए हैं। विशेष तौर से यहाँ पर भी निगरानी रखी जा रही है, खुफिया विभाग से कहा जाए कि कांग्रेस कार्यालय पर टीम भी लगी हुई है कि जो की अंडरग्राउंड शासन प्रशासन के लिए अपनी जानकारी दे रही है और इसके माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था या फिर जो महिला कार्यकर्ता है उनके लिए रोका जाए। लेकिन अभी हालांकि ये कहा जाए कि लिखित में नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ पर आई बैठक होनी है, हो सकता है कि बैठक के बाद ये प्रदर्शन भी कर दे तो इससे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। वही दूसरी तरफ देखो कि विधानसभा सत्र क्योंकि 5 दिन का चलने वाला है और इसको लेकर के भोपाल में करीबन विधानसभा के चारों तरफ 5 किलोमीटर तक 144 धारा लागू कर दी गई है,
और ये धारा कल से ही शाम से ही लागू कर दी गई। अगर ऐसी एक 5 किलोमीटर की परवी है, ये इस परवी में अगर कोई व्यक्ति धरना प्रदर्शन इत्यादि ऐसे कोई अनैतिक काम करता है तो इसकी सवाली धारा के तहत इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके लिए पहले से ही जानकारी दे दी गई है कि एक जगह पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से धरना प्रदर्शन या फिर और भी राजनीतिक कई ऐसे मूवमेंट होते हैं जो शासन प्रशासन के खिलाफ में है तो उनको ना किया जाए, वरना 144 के तहत जो धारा है उसके तहत में कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल गब्बर। और अगर वही मौसम मॉनसून की बात कर लें तो कई मध्य प्रदेश में कई इलाकों पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं और अभी भी कई जगह ऐसे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ इस पर एक्शन ले रही है? जो कहा जाए कि मौसम विभाग है, मौसम विभाग के अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है और इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो और इस भारी बारिश के कारण कहीं ना कहीं लोगों के लिए जनता के लिए इसका खामियाजा उठाना पड़े। इधर अगर हम दूसरी तरफ देखें शासन प्रशासन में जो NDRF की टीमें वगैरह होती है ये पूरे तरीके से अलर्ट हो, लोगों के लिए सचेत भी किया गया है कि कहीं ऐसी जगह न जाए जहाँ पर नदी है, विशेष तौर से जो ग्रामीण इलाके है जहाँ पर बड़ी नदियां हैं जैसे नर्मदापुरम है वहां पर नर्मदा नदी है या फिर अगर हम विदिशा की बात करें तो विदिशा में बैठवा नदी है, तो ये जो बड़ी नदियां हैं जबलपुर की बात करें तो वहां नर्मदा नदी है, ऐसी बड़ी नदियों की तरफ ना जाए या छोटे जो नाले हैं उन नालों की तरफ भी ना जाए जिससे कहीं किसी कोई हानि हो। साथ ही जो इलाके नदी से सटे हुए हैं उनमें विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग ने कई ऐसे जिले भी और संभाग भी है उनमें अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर बारिश तेजी से हो सकती है, भारी बारिश की चेतावनी दी है लेकिन अभी फिलहाल में ऐसी भारी बारिश नहीं है लेकिन सुबह से जो निजी बारिश होती है जिसमें व्यक्ति झूलता भी नहीं है लेकिन घर से निकल भी नहीं पाता है, ऐसी राजधानी में विशेष तौर से सुबह से ही बारिश चल रही है तो लोगों के लिए निकलने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो रही है, थोड़ा खुल रहा है फिर बारिश होने लगती है तो लोग घूम भी रहे हैं लेकिन फिर भी लोग अपने कहा जाए कार्यालय के लिए ऑफिस के लिए अपने जहाँ पर उनका रोजगार है वहाँ लोग निकल रहे हैं। अभी फिलहाल में भारी बारिश तो नहीं हुई है लेकिन जो अलर्ट है इस अलर्ट के हिसाब से मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, विदिशा, आपका सागर, टीकमगढ़, फतरपुर, जबलपुर ये जो विशेष तौर से जो इलाके हैं इस इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी आपका पचमढ़ी तो यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है ऐसा अनुमान बताया है मौसम विभाग ने। तो इसको लेकर के जी गब्बर तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।